केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने दो दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। अमेठी जनपद के इनोहना में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। स्मृति ईरानी अपने दौरे की शुरुआत जगदीशपुर से उन्होंने की। यहां पर सबसे पहले स्मृति अमर उजाला के पत्रकार के घर पहुंची। दरअसल कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में पत्रकार के पिताजी चोटिल हो गए थे। स्मृति पत्रकार के पिता से मुलाकात करने पहुंची, उनके स्वास्थ्य के बारे में इस दौरान जानकारी ली और हर संभव मदद की बात कही। इसके बाद स्मृति ईरानी का काफिला जगदीशपुर से निकल गया था, तभी उसी समय रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गई और स्मृति जब तक फाटक खुलता तब तक स्मृति बगल की ही एक चाय की दुकान पर पहुंच गई और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने चाय पी। फाटक खुलने के बाद स्मृति का काफिला रानीगंज बाजार के लिए निकला। यहां रहने वाले सिकंदर कौशल के घर, दरअसल कुछ दिन पूर्व सिकंदर कौशल के पुत्र शिवा कौशल का विद्युत करंट से मौत हो गई थी। स्मृति ईरानी ने सिकंदर कौशल के घर पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात की, शोक संवेदना व्यक्त की। स्मृति ईरानी ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया और साथ ही उसके बाद स्मृति ईरानी का काफिला मऊ आतवारा में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माधारा सिंह के घर पर पहुंचा, जहां पर स्मृति ने हर घर दस्तक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। माधारा सिंह से मुलाकात करने के बाद स्मृति उसी गांव में रघुवंशी प्राथमिक विद्यालय पहुंची, जहां पहले से बच्चे स्मृति ईरानी का इंतजार कर रहे थे। स्कूली बच्चों से मुलाकात के बाद स्मृति ने पढ़ाई को लेकर बच्चों से बातचीत की और बच्चों ने भी स्मृति ईरानी को पुष्प देकर उनका सम्मान किया। बच्चों के द्वारा मास्क लगाकर विद्यालय न आने पर स्मृति ईरानी ने विद्यालय प्रधानाचार्य के साथ भाजपा कार्यकर्ता को सख्त हिदायत दी। स्मृति ईरानी नवनिर्मित कृषि भवन में कृषि प्रयोगशाला में भी पहुंची, उन्होंने उद्घाटन किया। स्मृति के साथ में राज्य मंत्री सुरेश पासी और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूद थे। राजेश मसाला के द्वारा 8000 कंबल का वितरण किया गया। अपने दौरे के प्रथम दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा जिला पंचायत निधि से 2021-22 में होने वाले विकास कार्यों में 21.85 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली 85 सड़कों का शिलान्यास किया। 15 नवनिर्मित सड़कों का स्मृति ईरानी ने लोकार्पण किया। वहीं जिले में जल को सुरक्षित रखने के लिए 15 तालाबों का जीर्णोद्धार कराए जाने की बात कही, सौंदर्यकरण की बात कही। दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पौराणिक मंदिर कलिकन धाम पहुंची, जहां पर स्मृति ईरानी ने कलिकन मंदिर में दर्शन और पूजा की और दर्शन के बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ दुख दूरिया कार्यक्रम में शामिल हुई और महिलाओं के साथ पूजन किया। विषय है कि राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री हमारी एक बेटी को, अमेठी की एक बेटी को मिला है। हम सब जानते हैं कि सुधा न सिर्फ खेल जगत में बल्कि अमेठी और देश भर की बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर उभरी हैं। हम सब अभिलाषी हैं कि यूं ही सुधा सबकी प्रेरणा बनकर रहे और सुधा के सहयोग से भी कुछ बेटियाँ आगे बढ़ें। अमेठी की शान है सुधा, देश का अभिमान है सुधा, इसलिए आज इसके घर पर हम आकर माता पिता और इनकी कोच तीनों को आभार और अभिनंदन व्यक्त करने आए थे, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर सुधा को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए हम समाज की ओर से इनको जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। ठीक है, ये सुधा की भतीजी है जिसको IAS बनना है। ये नर सेवा नारायण सेवा के तहत अपने व्यापार से लाभांश जो हमें आता है उसी के एक अंश से किया गया है। मैं समझता हूँ इसमें हमने किसी के ऊपर कोई परोपकार नहीं किया, यह समाज का हक है, समाज का हकूक है और वही जो समाज का है हमने वही समाज को दिया है। और मुझे इस बात का गर्व है कि आज हम सुधा सिंह के घर पे आए हैं, जिसने इस क्षेत्र का, इस जनपद का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर पूरे जनपद का मान बढ़ाया है। आपने एक कुछ मांग थी उनकी, उसको पूरा क्या क्या है, क्या थी मांग? सुधा सिंह की इच्छा है कि यहाँ पे एक एकेडमी बनाई जाए। अभी DM साहब और CDO मैडम के साथ हम सब की बैठक हुई, दीदी ने मुझे प्रेरित किया और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोग PP मॉडल पे एकेडमी का निर्माण करेंगे और इस क्षेत्र के बच्चों को
और मुझे लगता है सर फर्स्ट टाइम ऐसा कोई आ रहा जो इतना बड़ा सम्मान दिया और सम्मान मिला है, और मुझे लगता है ये मेरा ही सम्मान नहीं, मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे गांव के लिए सम्मान की बात है कि जो दीदी यहाँ पे आई हैं। और मुझे लगता है कि ये जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के हैं जो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको भी देख के लगेगा कि हाँ अगर दीदी मुझे यहाँ तक सम्मान देने आज आई हैं और इतनी बड़ी हस्ती, मुझे हम लोग बहुत ही सारे खुश हैं। मुझे लगता है मुझे देख के और भी लड़कियाँ आगे बढ़ें और अच्छा करें, बस यही मैं। राजेश, अमेठी के लोगों के लिए क्या कहेंगी जो बच्चे आगे आ रहे हैं? अमेठी के जितने भी बच्चे ये हैं, मैं मेरे 10 साल से मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ, जिससे कि मुझे अपने अमेठी और पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सभी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मतलब टैलेंट है, सुविधा नहीं, लेकिन मुझे टैलेंट के साथ साथ सुविधा दे के उनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि टैलेंट बहुत है। और मैं चाहती हूँ कि वो अगर मैं ओलंपिक्स तक 2 बार ओलंपिक्स खेल के आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जिसको मैं ट्रेनिंग कराऊँ वो बच्चा ओलंपिक में मेडल जीत के आए। 2 वर्ष तक कोरोना महामारी से जूझ रहा समाज, माता जी की कृपा से आज हम सब सामान्य होते माहौल से पूरी तरह खुश हैं। और इसी को बनाए रखने के लिए ग्रामीण परिवेश की, शुद्ध ग्रामीण परिवेश की बहनें, आज दुरदुरिया का कार्यक्रम यहाँ रखा गया, जिसमें दीदी स्मृति ईरानी ने आकर इसमें शरीक हुई और सब ने मिलकर यह व्रत लिया। ये माता जी को से प्रार्थना किया कि सबका परिवार, घर, समाज खुश रहे और सब सुखी पूर्वक रहें। माता जी ऐसी कृपा करें समाज पे। कितनी महिलाएं यहाँ पे शामिल हुई? यहाँ पे 1.5 से 2 हज़ार महिलाएं के सम्मिलित होने की पूरी संभावना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतने सुबह का वक्त है, भारी संख्या में ग्रामीण परिवेश की महिलाएं यहाँ आ गई हैं। ये तीनों कृषि कानून वापस लिया गया सरकार इसको क्या जी? ये कृषि कानून, देखिए भाई, पार्टी की स्टैंड पे मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूँ। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत पूछ रहे हो तब मैं अपनी राय रख सकता हूँ। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि यह 3 कानून उसी प्रकार था जिस तरीके से स्टार्ट में जब GST लागू हुआ तो छोटे व्यापारियों को लोगों ने सड़क पर लाकर विरोध करने का काम किया, और उन व्यापारियों को जो समझाया गया वो समझ गए। तो आज मानिए, मैं एक उद्यमी होने के नाते बोल रहा हूँ, छोटे मंझोले बड़े सभी को लाभ हुआ है और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा है। ठीक उसी प्रकार से अगर ये 3 कानून लागू रहता, जैसा कि सरकार ने पूरा प्रयास किया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, और लोगों ने जिस तरीके से इसका प्रोटेस्ट किया उससे द्रवित होकर के प्रधानमंत्री ने सहृदयता का परिचय करते हुए जो वापस लिया है, मैं समझता हूँ ठीक ही लिया होगा। लेकिन अगर 3 कानून लागू होता